घर में एक आसूस का ये फोन पड़ा है, आसूस जेनफोन मैक्स M1 प्रो। इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, जब भी कोई कॉल आ रहा है तो इसका ना नोटिफिकेशन बार में शो कर रहा है, मतलब कोई भी कॉल आ रही है तो इसका नोटिफिकेशन बार में ये शो कर रहा है, और मेरे फोन जो स्क्रीन में है उसमें कोई कॉल शो नहीं हो रहा। तो दोस्तों जैसे कि मैं एक बार कॉल करके देखता हूँ, अगर आपके फ़ोन में भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो अपने घर में ही। ये प्रॉब्लम दोस्तों आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होती है, अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है तो उससे रिलेटेड। तो जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं अपने एक नंबर से इस पर कॉल करता हूँ, आप देख पाओगे जैसे कि इस पर कॉल आया। देखो पहले इसको साइलेंट कर लेता हूँ। अब दोस्तों देखो मेरा स्क्रीन पे कोई कॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, और मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन में जाता हूँ तो ये एंड में जो है यहाँ पे दिखा रहा होगा, एंड पे जो आ रहा है नोटिफिकेशन बार पे आ रहा है। अब मैं यहाँ से, मेरे को बार बार जितने भी कॉल आती है तो नोटिफिकेशन बार ऑन करना पड़ता है, और उसके बाद यहाँ पे जाके इसको फ़ोन पिक करना पड़ता है। अगर मेरा फ़ोन स्क्रीन लॉक हो, उसके बाद दोस्तों अगर मेरा कोई कॉल आता है तो मेरे स्क्रीन में कोई लाइट नहीं आती, बस रिंग आती है, मे बी आपको वाइब्रेशन में हो तो वाइब्रेट आएगा। उसके अलावा कोई भी फ़ोन ना उसके स्क्रीन में कुछ लिखा हुआ था किसका कॉल आ रहा है, जस्ट एक रिंग आएगी और फ़ोन ब्लैंक ही रहेगा। जैसे आपको मैं एक बार कॉल करके देख रहा हूँ, आप देख पाओगे दोस्तों जैसे इसका स्क्रीन अभी ऑफ है, अगर आप कोई भी कॉल आएगी तो यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ शो नहीं होगा, जस्ट रिंग आएगी और उसके अलावा कोई लाइट नहीं जलेगी, कुछ भी मेरे को कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो उसके लिए मेरे को पहले स्क्रीन अनलॉक करनी पड़ती है, फिर नोटिफिकेशन में जाके फ़ोन पिक करना पड़ता है। अब जैसे देखो फ़ोन आ गया, मैं एक बार इसको साइलेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप कोई नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं आ रहा ना लाइट जल रही है, तो इसको एक बार मैं अनलॉक कर लेता हूँ। अब दोस्तों आप देख पा रहे हो कि नोटिफिकेशन में ही मेरे जो कॉल आ रही है दोबारा से नोटिफिकेशन में चली गई है। यहाँ पे जाके आपको आपके फ़ोन के सेटिंग में जाना है, और उसके बाद जाना है ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में। अगर आपके पास आसूस का कोई भी फ़ोन हो जैसे मैक्स M1 या मैक्स M2 प्रो, तो आप उसमें भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ से सॉल्व। फिर उसके बाद दोस्तों आपको फ़ोन का जो सेटिंग है उसको ऑन करना है, अगर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो यहाँ सी ऑल ऐप पे क्लिक कर सकते हो, और उसके बाद ऐप फ़ोन के ऐप पे जाना है, और उसके बाद दोस्तों नोटिफिकेशन पे जाना है आपको, और यहाँ पे देख लेना कि सब जितनी भी आपकी सेटिंग है इनको चेक होना चाहिए, और उसके बाद इनकमिंग कॉल्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे बिहेवियर पे क्लिक करने के बाद मेक साउंड एंड पॉप अप ऑन स्क्रीन को चेक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों बैक आना है और ऑन गोइंग कॉल पे भी क्लिक करना है, उसके बिहेवियर को भी मेक साउंड एंड पॉप अप ऑन स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद बैक आना है आपको, आपका जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हो गई। अगर एक बार आप, मैं अपने दूसरे फ़ोन से कॉल करके देख लेता हूँ। अब दोस्तों आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अब मेरे इस पे कॉल आने लग गया और यहाँ पे स्क्रीन पे सोने लग गया। अगर आप मेरा फ़ोन अगर लॉक भी हो तो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा कॉल आ जाएगा। जैसे अभी मेरा फ़ोन लॉक पे है, अगर भी अब भी कोई कॉल आएगा, अभी से मेरे जो भी कॉल्स आएंगी वो मेरे को नोटिफिकेशन शो करेगा, और मेरे सामने देखो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि कॉल आने लग गई है, मैं यहीं से डायरेक्टली उठा सकता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मे बी आपका किसी फ्रेंड या फैमिली के फ़ोन में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसको यहाँ से आप ठीक कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।